हेलो लखन जी, कैसे हैं आप? हेलो अनुराग मिश्रा जी, आइए आइए बैठिए। जितना सोचा था उससे बड़ा कारनामा कर दिखाया आपने। क्या करें, जब से ये वर्दी पहनी है तब से घर परिवार सब भूलकर मुझे कानून के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता। पर वो लोगों के लिए मसीहा है और ये पक्का है कि वो बेगुनाह ही साबित होगा। मसीहा वो लोगों के लिए होगा, मेरे और कानून की नजर में सिर्फ वो मुजरिम है और मुजरिम की जगह सलाखों के पीछे होती है। ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी जहां उसे कैद कर सके, क्योंकि ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत है ना ही कोई गवाह होगा। सबूत था तभी तो सलाखों के पीछे पहुंचाया हूं, वरना आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं मुजरिमों को रोकता कम ठोकता ज्यादा हूं। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आप लोग? हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे। आप लोग बैठिए ना। जी जी। वो आ ही रहे होंगे, बैठिए। तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ जी 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 जी, जी, जी। हाँ? अरे हाँ भाभी जी। जी थोड़ा चीनी कम डालिएगा। जी। डीडी को मारने के लिए कहा था, अंदर डालने के लिए नहीं। सजा उसे कानून देगा, हम नहीं। हेलो, कल्लू चौबे बोल रहे हैं, जान से मार दो उसको। अपना बगल के कुर्सी में बिठा लेंगे। हम प्रदेश संभालेंगे और तुम पूरा प्रशासन संभालना। खाकी पहना हूं, जल्दी रंग नहीं छोड़ता और ना ही दाग लगता है। तो ठीक है, हम मार देंगे। हम मारने नहीं देंगे, यकीन ना हो तो खाकी और खादी को रगड़ कर देख लीजिएगा। अरे आप आ गए। लीजिए, आप चाय लीजिए। हाँ, रहने दीजिए नैना, हमारी चाय हजम करने के लिए नेताजी को अपना पेट ठीक करना पड़ेगा। डीडी भैया जिंदाबाद। डीडी भैया शांत रहिए। डीडी भैया जिंदाबाद। 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 आरती गाड़ी जल्दी चलाओ। मर गया ना भैया। दीदी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कहिए तो रास्ते में ही उड़ा दो। अबे पूछने की बात है, ठोक दे ठोक दे। देख तुझे इतना पैसा दूंगा ना कि तेरे साथ पूछते बैठ कर खाएंगे। Thank you.
पांडे। यस सर। भारती को लेके जाओ, मरम पट्टी कराओ इनका। यस सर। जाओ चलो चलो भारती। डॉक्टर साहब अब कैसी तबीयत है? ठीक है, पेट में गोली लगी थी वो निकाल दी है, अब खतरे से बाहर है। अच्छा डॉक्टर जी आ गए। डॉक्टर जी 10 बजे आएंगे। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।